वेलकम व्यूअर्स, एक्सेल बेसिक एंड सेशन 7। तो अभी तक हम लोग शुरुआत में लास्ट 6 सेशन पास करके आ चुके हैं। हम लोग फर्स्ट 10 सेशन का तरफ पहुंच रहे हैं एंड हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और काफ़ी कुछ और सीखने वाले हैं। आपका सामने में अभी एक आज एक ये डाटा एक चार्ट आपको दिख रहा है, ये सामने में एक चार्ट दिख रहा है। ये चार्ट यूज करके कितना डिफरेंट टाइप का इसका रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसका एक रिप्रेजेंटेशन का एक रहता है, एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रहता है, एक अपना ग्राफिकल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो एलॉजिकल अपना वर्किंग डेली बेसिस। जैसे आप अगर डेली बेसिस काम कर रहे हैं ये डाटा का ऊपर, तो आपको जैसा लगता है क्या ये डाटा देखने से आपको कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है, कौन सा ये समझ में आ जाएगा। बट आप जब कोई चीज रिव्यू करने बैठ रहे हैं, सपोज आपका किसी प्रोडक्शन को आप रिव्यू करने बैठ रहे हैं, आपका जैसे यहाँ पे मैंने मंथली प्रॉफिट दिया ऐसे रिव्यू करने बैठ रहे हैं, इस टाइम में आपको आपको प्रेजेंटेशन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होने से आपको थोड़ा सा चीजें अलग से दिखता है। कैसे अलग से दिखता है, कैसे होता है, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं इसको। इसका अभी तीन तरीके से हम लोग इसको तीन तरीके का इसका करे क्या बोलते हैं चार्ट बनाएंगे। एक जो नॉर्मल हम लोग को मालूम है बार चार्ट, एक है लाइन डायग्राम एंड एक है प्रॉफिट एंड लॉस, मीन एंड लॉस बोलते हैं इसको, मीन एंड लॉस मेकर। मैं आपको थोड़ा सा इधर पे लेके जा रहा हूँ चार्ट का उधर पे आपको समझाने के लिए। ये आपका इंसर्ट वाला बटन है, इंसर्ट वाला बटन में जाएंगे हम लोग, जाएंगे तो यहाँ पे ये दिखेगा आपको। इंसर्ट में जाएंगे तो ये चार्ट कहाँ गया, हाँ ये चार्ट आ गया। चार्ट आ गया तो इसको हम लोग चार्ट थोड़ा समय शिफ्ट हो जाता हूँ स्क्रीन को। यहाँ पे ये विन लॉस है एंड देन यहाँ पे ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट पे दुनिया भर का ऑप्शंस दिख रहा है आपको, सेम लास्ट पे बार चार्ट पे वैसा। तो लास्ट टाइम हम लोग विन लॉस चार्ट में बात करके छोड़ दिए थे। ओके, सो विन लॉस चार्ट अभी कैसे हो रहा है ये हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे ये विन लॉस चार्ट बना सकते हैं। मैं पहले एक डाटा सेट करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया, विन लॉस ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है लोकेशन रेंज। डाटा रेंज देखिए D4 टू J4 दिखा रहा है। लोकेशन रेंज, लोकेशन रेंज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आने के लिए। तो ये बन गया चार्ट, आपका चार्ट बन गया। अभी हम क्या करते हैं, ये जो आसाम मुंबई लिखा हुआ है ना, इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी कैसे करने का, Ctrl C Ctrl V ऑप्शन है, या तो नहीं तो आपको यहाँ ऊपर में काफ़ी सारा ऑप्शन है। इसके लिए कैसा है हम लोग, मैंने पहले ऑलरेडी बोल चुका है, मैं अभी और बोलूँगा नहीं। अभी इसमें ये चार्ट तो बन गए। ये चार्ट कैसा बना, नॉर्मली हमको अगर किसी का एक्सेल का थोड़ा बहुत चार्ट का अगर एक्सपीरियंस है, तो चार्ट बनने के लिए नॉर्मली अगर आप चार्ट कोई भी सिलेक्ट करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरा ऐसा एक सेपरेट शीट जैसा ओपन होता है, ठीक है, ये कुछ देता है। यहाँ पे हम कुछ डाटा सिलेक्ट करेंगे तो ये करेंगे, तो डाटा जैसे सिलेक्ट डाटा किया, मैं जस्ट कर रहा हूँ इसको निकाल दूंगा मैं, ये ऐसा डाटा सिलेक्ट करेंगे तो डाटा पीछे से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, करके इसको डाला कुछ ना कुछ, ये ऐसा आ गया। इन दिस केस ऐसा कुछ नहीं, अलग से सेपरेट शीट पर नहीं पैदा होता है। ये चार्ट जो विन लॉस चार्ट है आपको एक्सेल का अंदर ही दिखा रहा है। इसमें आपको क्या दिखा रहा है, ये चार्ट आपको क्या फायदा देगा, आपको अगर लंबा डाटा देखने का है, जिस डाटा में आपको माइनस वैल्यू को अलग से आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसको एक प्रोसेस है, आप यहाँ से ये क्विकली देख सकते हैं कि ये कौन सा डाटा माइनस है, मतलब इस केस में कौन सा मंथ में मेरा माइनस में गया है। अभी इसको कुछ एडिट का ऑप्शंस है, वो एडिट का ऑप्शंस पे हम लोग जाएंगे और देखेंगे क्या क्या एडिट ऑप्शंस इसमें है। जैसे आप इस पार्कलर में जाएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं, मैं एक का करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा तो क्या क्या मैं बोलना चाहता हूँ। इंसर्ट में गया, विन लॉस में गए हम लोग। विन लॉस में जैसे गए, विन लॉस का सिलेक्ट किए तो उसका जो ये दिख रहा है, मतलब अभी विन लॉस का उसमें डिज़ाइन में गया। डिज़ाइन में जाने के बाद में तीन पॉइंट है, देखिए मार्कर कलर,
मार्कर कलर में क्या बोल रहे हैं, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये आप चार पॉइंट्स को और नेगेटिव पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को आप अलग अलग कलर डाल के पांच रेफरेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे नेगेटिव कलर बाय डिफॉल्ट हम लोग रेड पकड़ते हैं, कोई भी हम लोग एक्सेल में भी काम करता है तो रेड डालते हैं। देखिए मैं अगर इसको चेंज कर रहा हूँ, करूँ चेंज, चेंज करके मैं इसको ऑरेंज कलर में लेके गया, ये देखिए ऑरेंज कलर हो गया। ओके देन मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, हाई पॉइंट कलर, हाई पॉइंट को मैं फर्स्ट ग्रीन दे रहा हूँ, देखिए हाई पॉइंट कलर पता चल गया। अभी लो पॉइंट कलर, लो पॉइंट में पॉजिटिव है लेकिन लो पॉइंट है, उसको कलर को क्या दे सकते हैं, उस कलर को मैं सपोज ये कलर दे रहा हूँ, तो पता चल गया मुझे लो पॉइंट कौन सा है। एंड देन या तो चाहिए तो लो पॉइंट को छोड़ देते हैं, लो पॉइंट को अभी हम लोग पकड़ेंगे नहीं। देन फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है, चार्ट, चार्ट जहाँ से शुरू हो रहा है उस चार्ट को इसको ये कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को हम लोग क्या मार्किंग किए, फर्स्ट पॉइंट को येलो दिए, येलो मार्क किए, चाहे तो उसको और भी कुछ कलर कर सकते हैं, ऐसा कलर किया है हम लोग। अभी लास्ट पॉइंट भी एक है, लास्ट पॉइंट जो भी कलर है बट वो माइनस रहेगा तो आपको माइनस ही दिखेगा, हाँ माइनस रहेगा तो उसको चेंज करने का मतलब नहीं है, क्योंकि माइनस को हम लोग एक कलर ऑलरेडी नेगेटिव पॉइंट्स दिए हैं, तो लास्ट पॉइंट माइनस है तो छोड़ सकते हैं, या तो लास्ट पॉइंट को भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। कलर अगर आपको सामने में एक कलर मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, ये चेंज किया तो वापस रेड हो गया, ठीक है। ओके ये आपका एक तरीके का विन लॉस सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है, जो विन लॉस करके आप ऐसा एक चार्ट बना सकते हैं। और इसको अभी हम लोग बाकी दोनों काम करेंगे जो अभी हम लोग पहले दिखाए आपको, एक है लाइन चार्ट, एक है बार चार्ट। इस चीज के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा दूसरा शीट में लेके जाके इसको काम करेंगे। ओके देन अगेन अभी मैंने जैसा बोला आपको, ये डाटा देखिए मैंने अपने लिए बना के रखा है, बट ये डाटा हम लोग अभी बनाएंगे खुद, नहीं तो फिर लगेगा कि मैं नेट से सर्च करके आप लोग के लिए बना के रखा और ऐसे ऐसे वीडियो बना के दे, नहीं से नहीं, हम लोग ये डाटा खुद से बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो थोड़ा सा है, आज का वीडियो इसके लिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग सबसे पहले ये का वर्क चालू करने का पहले, ये लेसन चालू करने का पहले पीछे का वीडियो और देखिए, पीछे का वीडियो देख के आपको जो भी समझने के नहीं आ रहा है कमेंट्स करके मुझे बताइए, तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन में कवर कर लूँगा उसको छोटा छोटा स्लॉट्स में। एंड ज़्यादा से ज़्यादातर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो क्या मुझे बहुत 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 इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। नॉर्मली ऐसा फ्री सेशन में कोई भी ट्रेनर इस तरीके का चीज़ दिखाने में पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इन पे सामने से क्वेश्चन आने से आपको क्वेश्चन का आंसर देने में और ज़्यादा आपको फ्रीनेस आता है, और ज़्यादा आपको लगता है कि यस मेरा, मैंने जिसको बोल रहा हूँ जो सामने वाले को बोल रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है। एनीवे फ्री सेशन है तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में एंटर कमेंट्स करिए, एंड नीचे जितना है लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल बजा दीजिए, बेल का जो है बेल बटन है, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, तो क्या आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा वीडियो के बारे में। एवरी मंडे मंडे मैं आता हूँ, एंड मेरा ऑलरेडी मैंने जैसे लास्ट टाइम भी शेयर किया था, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दैट आई एम ऑलरेडी ट्रेंड टू बी फॉर एडवांस्ड एक्सेल, एंड एडवांस एक्सेल भी मेरे को इंटरेस्ट है चालू करने का फ्री सेशन, बट दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इज इंटरेस्ट, टिल नाउ अदरवाइज आई विल नॉट गोइंग टू स्टार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट, बट आई एम गोइंग टू कम्प्लीट दिस बेसिक सेशन इन अनदर 10 सेशंस मैक्सिमम लगेंगे अपने को, 10 सेशन लगेंगे, तो 10 सेशन में हम लोग ये बेसिक पार्ट खत्म करेंगे। सो ये डाटा तो यहाँ बना हुआ है, तो ये डाटा को खाली हम कॉपी कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इस डाटा को कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम लोग दूसरा एक शीट में लेके जाएंगे, ये शीट में हमने लिखे गए डाटा को, थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सेट कर देना पड़ेगा, सेट कर दिए हम लोग, और ये आगे हम इसका, ठीक है। सो इस डाटा का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये डाटा में क्या है और क्या नहीं है, एंड ये डाटा में क्या आपको एक चीज क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे बनाने का है वो सब चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मैं कुछ लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखिए, क्या लिख रहा हूँ मैं
और क्यों लिख रहा हूं मैं ये, इसको देखने के लिए और इसको पता लगाने के लिए वीडियो का एंड तक आपको जाना पड़ेगा, जहां पे आपको इस चीज का ऊपर में आपको मिलेगा आंसर मिलेगा। तब तक आंसर मिलेगा नहीं, थोड़ा सा क्लिक दिखाया मैंने बट आ गया, यस मेरा डिजायर डाटा आ गया। ओके अभी क्या बनाने का है आपने को, हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, लाइन चार्ट में जाएंगे, कोई भी चार्ट पकड़ लीजिए जैसे भी लगता है आपको, ये चार्ट ले लेंगे, चार्ट का इसमें जाएंगे सिलेक्ट डाटा, सिलेक्ट डाटा का बाद में हम लोग इसको डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा को पूरा यहां तक सिलेक्ट करके इसको कर सकते हैं, बट इतना डाटा मैं लूंगा तो आपको अभी प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैं डाटा को थोड़ा सा कम कर रहा हूं, अभी मैं चार इसमें आपको दिखाऊंगा। ओके आसाम एंड जापान सिलेक्ट करके रखा हूं मैं, और बाकी सबको लोकेशंस को मैं फिलहाल बंद करके रखा हूं, बाद में वो भी ओपन करके मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। टोटल मंथ वाइज एंड टोटल क्यूमुलेटिव, ओके ये आ गया आपका डाटा। तो क्या दिखा, आसाम का दो डाटा दिख रहा है, जापान का दो डाटा दिख रहा है, टोटल का दो डाटा, क्यों नहीं दो डाटा दिख रहा है, अभी वापस हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे। लेफ्ट साइड में जाने से आप देखिए आसाम का ये मंथ वाइज डाटा है, 15 करोड़ यह है, मैंने वैल्यू क्या है लिखा नहीं है, चलिए लिख देता हूँ वेल इन CR, ठीक है। तो असम का प्रॉफिट मार्जिन अप्रैल में 15 CR, इसमें 13636 माइनस 13, एक महीना माइनस भी हुआ है, माइनस मैंने पर्पसफुली डाला था आपको विन लॉस का डाटा दिखाने के लिए, अदरवाइज माइनस नहीं डाल सकता था। ये जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन भी असम का लाइन है, मैं अभी इसको कलर कर देता हूँ, सेपरेट कलर कर देता हूँ आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसका कैसा है देखिए, इसमें क्यूमुलेटिव किया मैंने, मतलब अप्रैल महीने में क्यूमुलेटिव सेशन हमारा कैसा है, फाइनेंशियल ईयर चालू होता है अप्रैल से चालू होकर मार्च में खत्म होता है, सबको मालूम है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। सो फर्स्ट मंथ मेरा प्रॉफिट है 15 CR, देन सेकेंड मंथ में प्रॉफिट कितना है, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, हाँ इट्स नॉट ए मंथ वाइज प्रॉफिट, इट्स ए क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। सो क्या फॉर्मूला बोला है, फॉर्मूला क्या बोला है, C5 + D4, मतलब अप्रैल महीने का प्रॉफिट प्लस मई महीने का प्रॉफिट जुड़ के ये 15 करोड़ हुआ। इसको अगर मैं ड्रैग कर दूं तो ये दिखेगा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, हमने ऊपर में 186 जो प्लस किया था 186, तो कैच मतलब मेरा करेक्ट है। अभी ये डाटा बन गया है, ठीक है। डाटा में अभी क्या है, पहले चार्ट का टाइटल डालने का है। चार्ट का टाइटल डालने के लिए आपका पास अभी तक क्या करता है, आप क्या कर सकते हैं, मंथ वाइज ऐसा 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 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए ये लिखने का उतना अगर आपका पास टाइम नहीं है, एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं अभी, इसको आप यहाँ पे इसको क्लिक जो कर रहा है ना, ये क्लिक कर रहा है, इसको क्लिक कर दीजिए, ये जो एक कर्सर का एक बटन पे ब्लिंकिंग जैसा कर रहा है ना, एक सिंगल लाइन जैसा ब्लिंक कर रहा है, दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे देखिए ब्लिंक कर रहा है, या तो ये ब्लिंक इस टाइम में आप यहाँ पे लेके आ जाइए इसको, समझे, एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से, यहाँ पे कर्सर को ब्लिंक करने का, इसको वापस यहाँ लेके आने का, यहां लेके आके इक्वल टू दबाने का, इक्वल टू साइन है, प्लस का साथ में रहता है, इक्वल टू साइन दबाने का और इसको सिलेक्ट कर देने का, हो गया। देखिए इसका बाद क्या करने का है, इसको मंथ वाइज प्रॉफिट कर देने का, कलर चेंज करना चाहता है तो कलर चेंज कर सकते हैं इसको, या तो इसको जैसा भी जैसा जो मर्जी चाहे कर सकते हैं आप इसको, आप इसको एक्सप्लोर करो, देखो फिर बताऊंगा मैं, हर चीज ऐसे ऐसे बताने से आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बहुत कुछ कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। फिलहाल आज का मुद्दे से हम लोग हटेंगे नहीं, हम लोग आज का मुद्दा एक मिनट जस्ट, ये आज मुद्दा है हम लोग का, इस चार्ट में मैं अभी ये दो, ये एक टाइप का ऐसा चार्ट बना सिमिलर, अगर मैं यहाँ पे जाके डिजाइन में गया, डिजाइन में जाके चेंज चार्ट टाइप कर दिया और मैं बोला कॉलम, ऐसा आ गया, ये भी चार्ट है, बन गया है, यस देखिए आई एम नाउ टुडे सो मच प्लीज के सब बन गया, क्या बन गया, इसमें चार चार पांच पांच कॉलम दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, अप्रैल में जून महीने का असम का कैसा है, मार्च मई का कैसा है, इसका कैसा है, इसका कैसा है। इस चीज से मुझे कहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मेरे को जो डाटा चाहिए कैसे चाहिए,
पर मंथ का वर्टिकल में ऐसा कॉलम में दिखना चाहिए और क्यूमुलेटिव जो है वो लाइन में दिखना चाहिए। आपस में अंडू मर रहा हूँ, देखिए आपको क्यूमुलेटिव दिखेगा तो क्यूमुलेटिव का लाइन जो दिखेगा ना, क्यूमुलेटिव का लाइन जो दिखेगा, देखिए आपको ये ऊपर कंटिन्यूअस अपवर्ड्स दिखेगा, ठीक है। वेयर एज आपको इसका एक मिनट में हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे, हाउ टू एक्सप्लोर वी विल जस्ट गो ऑन, ठीक है। हाँ, ये क्या किया मैंने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक स्विच रो कॉलम ऑप्शन आता है। यहाँ पे पहले मैंने क्या कर दिया था, मेरा हॉरिजॉन्टल में आसाम जापान नेपाल आ रहा था और वर्टिकल में मेरा अप्रैल में जून जुलाई आ रहा था। वेयर एज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मंथ वाइज आसाम जापान इसका कैसा है, मतलब हॉरिजॉन्टल में मुझे मंथ चाहिए, वर्टिकल में मुझे लोकेशन चाहिए, आसाम जापान इसका चाहिए। सो मैंने ये स्विच रो कॉलम करने से ये एक्सेल इतना इजी कर दिया ना, पहले इसके लिए आपको वापस जाके डाटा को करेक्ट ढंग से सार्ट सिलेक्ट करना पड़ता था, अभी तो ये सब कुछ नहीं है। वापस मैं चेंज चार्ट टाइप कर रहा हूँ, चेंज चार्ट टाइप करके मैं कॉलम में जा रहा हूँ, कॉलम में जाके देखिए ये हो रहा हुआ, ये आया आपका ऐसा टाइप। अभी इसको हम लोग ये इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको अपस फिर से दिखाता हूँ, बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझने के लिए प्रैक्टिकलिटी। ये जो मंथ वाइज है कौन सा देखिए, तो आसाम का मंथ वाइज पहला वाला जो है, मंथ वाइज बाद वाला जो है, ये मंथ वाइज में ऐसे क्यूमुलेटिव में ही ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन मंथ वाइज में ये अप एंड डाउन आपको समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ रहा है। तो जहाँ पे मुझे मंथ वाइज है वहाँ पे मुझे मैं कॉलम चार्ट यूज करूंगा, और जहाँ पे मुझे इसको ये क्यूमुलेटिव चार्ट है उसमें मैं लाइन डायग्राम यूज करूंगा। देन अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूज इट, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखिए चेंज चार्ट टाइप, ये चेंज चार्ट टाइप में आएंगे, यहाँ पे आके मैंने चेंज कर रहा था बार बार कॉलम, आपने ध्यान नहीं दिए होंगे यहाँ पे नीचे में और एक ऑप्शन है, ये देखिए आसाम आसाम दो बार दिख रहा है, जापान जापान दो बार दिख रहा है, टोटल मंथ वाइज टोटल क्यूमुलेटिव, इसका मतलब जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्यूमुलेटिव है, ठीक है। अभी इसको हम लोग क्या चेंज करेंगे, इसको बोल देंगे ये भाई तुम कॉलम चार्ट बन जाओ, क्लस्टर्ड कॉलम बोल के बोला है, क्लस्टर्ड कॉलम है या तो ऐसा टाइप भी कॉलम, तो मुझे क्लस्टर्ड कॉलम चाहिए मुझे, ये आपका मर्जी आप कैसा है, मेरे को क्लस्टर कॉलम चाहिए बोल के मैंने क्लस्टर कॉलम बोला, ये ऐसा नहीं है कि आपको क्लस्टर कॉलम नहीं चाहिए तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। अभी इसमें दूसरा क्या है, एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस बोल के यहाँ पे एक लिखा है, ये देखिए सेकेंडरी एक्सिस दिख रहा होगा क्या, दिख रहा है तो नहीं तो इसको मुझे जूम करना पड़ेगा, जूम करके होपफुली दिख रहा है, सेकेंडरी एक्सिस यहाँ लिखा है। अभी किसको सेकेंडरी एक्सिस, ये सेकेंडरी एक्सिस क्या है अभी बताता हूँ मैं आपको धीरे से, आप देखिए पहले इसको देख लीजिए, सेकेंडरी एक्सिस करके ऐसा आया, ओके ओके कर दिया मैंने। अब क्या हुआ, अब दो तरीके का चार्ट बन गया मेरा, मंथ वाइज का फिगर जो है वो कॉलम में दिख रहा है और जो क्यूमुलेटिव फिगर है वो ग्राफ में दिख रहा है। पहले तो कभी सोचे नहीं थे ऐसा ग्राफ मिला क्या, ऐसा मिलेगा, आप देख लीजिए एक्सेल में जाके, दुनिया भर का एक्सेल का आप वीडियोज है तो उसमें सर्च करके देखिए, इतना एक ही झटके में इतना सस्ते में आपको कोई सिखा पाएगा क्या, जो एक्सेल का ग्राफ ऐसा दोनों ग्राफ आप बना सकते हैं क्या, साफ चीट नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग फिर भी लाइक करने में सब्सक्राइब करने में इतना टाइम लगा देते हो, अभी मत टाइम लगाओ, अभी देखो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आना चालू हो गया, फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आते रहेगा जब जब, अगर इंटरेस्टिंग हुआ वीडियो ज़्यादा कमेंट्स मिले तो मैं सेशन का बीच में भी एक हफ्ते का बीच में एक आध दो स्पेशल सेशन रख सकता हूँ, एक केस स्टडी जैसा स्टडी ऐसा रख सकता हूँ, जहाँ तक जितना तक हम लोग सीखा तो उसको भी एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोग को दिखा सकता है, कहाँ तक इतना तक सीखा ये चीज़ सीखा, इसको एक ग्राफ बना के बना सकता है, ठीक है। अभी ये तो गप्पे ज़्यादा बहुत हो गया, अभी फटाफट काम करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो भी एंड करने का है, मुझे क्लास भी ज्वाइन करने का है दूसरा। हाँ, सो
अभी यहाँ पे हम लोग ये जो दोनों चार्ट आ गए, ये मैंने बोला था ना उस टाइम में सेकेंडरी एक्सिस क्या है, प्राइमरी एक्सिस क्या है। ये मेरा प्राइमरी एक्सिस है, ये मेरा सेकेंडरी एक्सिस है। अभी नॉर्मली क्या होता है, वापस थोड़ा अंडू कर रहा हूँ, थोड़ा इरिटेट मत हो जाइए क्योंकि मैं बार बार आगे पीछे कर रहा हूँ। ये जो आप देखें, ये पहले आपको बाई डिफॉल्ट आप जब एक चार्ट सिलेक्ट करता है तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक वर्टिकल एक्सिस आ जाता है, वर्टिकल एक्सिस आ जाता है, मेरा कर्सर मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्सिस। अभी मैंने एक एक्सिस और ऐड किया, क्यों ऐड किए बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। रीजन थोड़ा सा आप वैल्यू में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा। प्राइमरी एक्सिस में मेजर वैल्यू है मेरा 100 एंड सेकेंडरी एक्सिस में मेरा मेजर वैल्यू है 400। दोनों का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव फिगर है 369, इसके लिए यहाँ पे 400 का 400 का बहुत जरूरी था। वेयर एज मंथ का फिगर में, एक बार थोड़ा चार्ट को मैं साइड कर रहा हूँ, साइड को चार्ट को साइड करने से मेरे को मैक्सिमम फिगर है 87। यहाँ पे एक दिखाऊं, यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने बोल चुका है, बट अभी आसाम एंड जापान का दोनों का दिखा के दिखा तो मैंने पीछे का सेशन में बोला था, जो लोग पीछे का सेशन मेरे देखे वो लोग फटाफट समझ जाएंगे मैं क्या निकालने वाला हूँ। मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ, मैं हाईलाइट सेल रूल्स हाईएस्ट वैल्यू। फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन सेल वैल्यू, ग्रेटर देन। एक तो नजर में मुझे 89 तो दिख रहा है तो मैं 90 डाल दिया। चलिए 90 में क्या है, अरे हाँ तो बोला नहीं उसको क्या करने का है, एडिट रूल 90, नो फॉर्मेटिंग सेट किया था इसके लिए वो कुछ दिखा है नहीं, बेचारे को बोला ही नहीं मैंने उसको तुमको क्या काम करने का है, उसको ग्रीन फील करने का है, उसको बोलो तो सही, ग्रीन फील करने के लिए अप्लाई 90 आ गया, ये 92 है, इसके लिए यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है 100 अपने को जरूरत था। अभी यहाँ पे माइनस फिगर है बल्कि ये नीचे जा रहा है, ठीक है, अगर माइनस फिगर नहीं रहेगा तो ये नीचे नहीं जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा टाइम के लिए, माइनस फिगर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, आसाम एंड जापान ना, तो क्यूमुलेटिव में भी माइनस फिगर डाउन होना चाहिए, जापान में भी एक फिगर माइनस है उसको भी डाउन करेंगे हम लोग, निकाल देंगे। चलिए निकाल दिया, सो ठीक है, ये देखिए क्या हो गया, चेंज हो गया डाटा पूरा दिख रहा है। सो दिस इज द वे, ये -6 भी चेंज करना पड़ेगा तब जाके ये माइनस से टोटल। मैं क्यों माइनस चेंज करके करके आपको दिखा रहा हूँ, कि माइनस निकालने से आपको जीरो से दोनों डाटा चालू होगा। आपका मन में डाउट हो सकता है कि डाटा के इसको इसके लिए बता भी दे रहा हूँ कि ये माइनस में क्या होता है, नीचे से क्यों है, ऐसा क्यों है, ये तो प्रॉपर हम लोग को मालूम है, जीरो से कोई भी ग्राफ चालू होता है, कि बिन ग्राफ शीट में जब हम लोग बचपन में ग्राफ करते थे वो सब में जीरो से चालू होता है, फर्स्ट वाला लाइन को जीरो बोलते थे, अभी ये माइनस कहाँ से, क्योंकि आपका डाटा माइनस है तो एक्सेल उसके लिए माइनस से बोल रहा है। तो ये डाटा है, डाटा जैसा देंगे हम वैसा बात करेगा, एक्सेल कुछ नहीं, एक्सेल आपका डाटा का ऊपर ही खाली आपको प्रेजेंट करके देगा, आपका काम वो कर रहा है, ठीक है ओके। अभी इसमें काफी सारा हमारा है, क्या क्या है, हाँ यस याद आ गया आपको, क्या करने का है मुझे, डाटा लेबल्स डालने का है, डाटा लेबल किधर पे डालने का है, टॉप में, इनसाइड एंड, आउटसाइड एंड में डालने का है, आउटसाइड एंड में डालने का है, ठीक है आउटसाइड एंड में डाल दिया मैंने डाटा, डाटा क्लामसी दिख रहा है, सो ये सब सेट करके इनका बोलने का है, इनका डाटा लेबल नहीं चाहिए मुझे, खाली ओनली इनका चाहिए, ठीक है ये दिख रहा है। तो ऐसा एक एक करके आप ऐसा कर सकते हैं। नाउ ये एक्सिस को हम लोग इसको करेक्शन कर सकते हैं, इस तो एक बार रिपीट कर लो इसका, पहले एक्सिस को कैसे करेक्शन करना है, ये एक्सिस को भी आप करेक्शन कर सकते हैं, जैसे ये 369 है, इसको कहाँ से चेंज करके इसको एक्सिस को चेंज करने का है, ये सब रहेगा, लेकिन ये अभी ये वीडियो में शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी हद तक मैंने आज आगे बढ़ गया हूँ। ये ग्रिड लाइन में चेंज कर सकता हूँ, ग्रिड लाइन डालना है तो ग्रिड लाइन निकाल सकता हूँ,
एक चीज आपको इसका पहले दिखा देता हूँ, एक्सिस को चेंज करने का, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए रखेंगे। हाँ, एक्सिस को अभी आज चेंज नहीं करेंगे, चेंज करने के लिए जाएंगे तो टाइम लगेगा। देखिए मैंने अभी इसका साथ, अभी आसाम असम था ना, अभी मैं नेपाल भी जोड़ रहा हूँ आपका साथ, बात करते करते नेपाल भी जोड़ दिया मैंने। कहाँ गया नेपाल? नेपाल नहीं दिख रहा है वापस, नहीं नेपाल नहीं हुआ सिलेक्ट, निकल गया। ठीक है, ऐसा आप यहाँ से भी ये जो फिल्टर है इसको फिल्टर में हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल करके डाल दिए, वैल्यू सीरीज आसाम नेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल करके आप यहाँ पे आसाम जापान टोटल मानते हैं जैसा आप डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। सो आसाम आ गया, जापान आ गया, डांडे आ गया, आसाम का क्यूमुलेटिव आ गया, टोटल मंथ वाइज आ गया, टोटल क्यूमुलेटिव आ गया, आसाम का आ गया, सब कुछ ये आपको दिखेगा। आप टोटल मंथ वाइज जो था, टोटल मंथ वाइज भी देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है उसका टोटल मंथ का कितना है, 59 आसाम जापान एंड टोटल मंथ वाइज, टोटल मंथ में यहाँ पे 59 दिख रहा है, दिख रहा है बराबर। जापान में 77, जापान का साथ में यहाँ पे जापान नहीं है, सॉरी बार बार मैं गलत बोल रहा हूँ, आप लोग भी कुछ बोल नहीं रहे। देखो वीडियो ध्यान से देखो, अप्रैल महीने में 59 सीआर है क्यूमुलेटिव, मई महीने में 36 सीआर है, इसका इस महीने में 51 सीआर है। ठीक है, ये आया, ये इसी तरीके से अभी हम लोग जो शीट बना हुआ है इसी शीट में जाएंगे, इसी हिसाब से ये पूरा ग्राफ बना हुआ है। सो कैसा है और एक बार फटाफट रिपीट कर लेंगे कैसे बनाए हम लोग ग्राफ को, मैं कुछ नहीं करूँगा कल ही बताऊँगा आपको, एक बार रिपीट दिखा देता हूँ तो कि आपको रिपीट टेलीकास्ट का जैसा। ये एक्सेल का चार्ट सिलेक्ट किया, चार्ट सिलेक्ट करके चार्ट ऐसे था, चार्ट टाइटल में था, पहले चार्ट में आया, चार्ट सिलेक्ट किया, चार्ट डाटा निकलता, चार्ट डाटा कुछ भी नहीं रख सकता है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसको करके हम लोग एक्सेल चार्ट टाइटल किया। चार्ट टाइटल का बाद में हम लोग चार्ट टाइटल इसको मैंने जैसा बोला हाईलाइट किया था मैंने आपको लिए छोटा सा, ये मंथली प्रॉफिट इसको कैसे किए थे, शीट फोर को इसे लिंक कर देते थे फार्मूला मार के, इसको आप फार्मूला मार के लिंक कर सकते हो, नहीं हो रहा तो हाथ में टाइप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग इसका बाद में क्या करने का है, इस चार्ट को लेके जाके अपने को ऐसे इस चार्ट में लेके आने का है। लेके आने के बाद में अभी हम लोग इसके ऊपर छोटा सा और भी दो तीन काम किए थे, ये वैल्यू को चेक किए थे, ऐसा करके हम लोग किए। तो अभी आपका पिक्चर दिखा कैसा हुआ, ये चीज़ को समझ में आ गया है। इसमें आप काफ़ी सारा ऐड कर सकते हो, काफ़ी सारा कुछ आप डाटा टेबल डालने का मन है तो डाटा टेबल डाल दीजिए विथ लीजेंड कीज, लेकिन डाटा टेबल यहाँ पे काफ़ी हो जाएगा, ऐसा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं चाहे तो सेम चीज़। ये इवन आप इसी इसको पूरा अलग से कॉपी करके, देखिए मैं आपको एक शीट में लेके जाऊंगा, जिस शीट में जाके मैं कुछ अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करूंगा, जहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड जैसा आपको दिखेगा। व्यू ग्रिड लाइन बंद कर दिया, यहाँ पे जाके मैं इस शीट को चार्ट को कॉपी करके भी लेके जा सकता हूँ। कॉपी किया चार्ट को और शीट फाइव में लेके जाके मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप वहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे, अब हम शीट थ्री में जाके चेंजेस करेंगे कुछ डाटा को, ये -13 है ना, इसको -23 करेंगे, जाके देखते हैं वह चेंजेस हुआ है क्या। देखिए हो गया चेंजेस, कहाँ दिखा चेंजेस आपको, नहीं दिखा। सो हम लोग डाटा टेबल को ऑन करके रखते हैं चेंजेस दिखने के लिए, थोड़ा देर के लिए हम लोग को डाटा टेबल नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग डाटा टेबल रखेंगे विथ लीजेंड कीज, बोल रहा है ना विथ लीजेंड कीज नहीं विथ नो लीजेंड कीज, सो सिर्फ डाटा टेबल चाहिए अपने को। बाप रे ये बहुत गंदा दिख रहा है, छोड़ो ना, ना यहाँ पे से हम लोग देखें, आपको देखने में देखिए अभी -23 क्या, तो क्यूमुलेटिव कितना हो गया 28 सीआर हो गया जून का महीना में, सॉरी
जून का महीने में 28th ईयर है, जून का महीने में क्यूमुलेट इसका आ गया असम में का, जून 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 किधर गया, जून किधर गया, जून का क्यूमुलेटिव, सॉरी यहाँ पे आपको शीट थ्री ये वाला देखना पड़ेगा, ये वाला 41th ईयर, 13th ईयर था तो क्या था, एक मिनट वापस माइनस करेंगे हम लोग या अंडू करेंगे, 13th ईयर तो ये 15th ईयर, मैंने वो इंक्रीज किया था 23th ईयर तो ये 41, देखिए यहाँ पे भी आपने अब चेंज हुआ, यहाँ पे भी हम गए तो यहाँ पे भी 41th ईयर आ गया, राइट करेक्ट है। सो ये डाटा चेंज हो रहा है, मतलब आप उधर पे बैठ के जो भी चेंजेस करेंगे ये चीज यहाँ पे भी चेंजेस होगा। ये था आज का मुद्दा, सेकेंड हम लोग कल उसमें दिखाएंगे क्या ये शीट को मुझे अगर एक्सिस को चेंज करने का, ये कैसे एक्सिस को चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है वैल्यू, ये वैल्यू को कैसे कर सकते हैं आप, कुछ ट्राई तो आप घर में कोशिश करके देखिए, कुछ हर्जा नहीं है, जैसे खाली ऊपर का ये जो अंडू बटन है, अंडू बटन दबा के, अंडू बटन मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन में दिखाया था, लास्ट टू लास्ट सेशन में दिखाया था, उधर से देख के आप देख लीजिए, नहीं तो मेरा पीछे का वीडियो लिंक पे मिलेगा, नीचे में रहेगा, उसको साथ में आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तब तक आज के लिए इतना ही है, कोशिश करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते रहिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर द कमेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।